नमस्ते, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम कोसानी हिल स्टेशन, कोसानी विलेज, जो बागेश्वर ज़िले में, उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ये कोसानी आश्रम अपने हिल स्टेशन, सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए तो फेमस है ही, सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए। फिर उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यहाँ पे आए थे, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ये हमारे साथ मुंबई से आए हुए सर है और जो हिंदी के टीचर भी रहे हैं, तो उसे हम थोड़ा जानेंगे। सर, आप हमें बताएंगे कोसानी बारे में? हाँ सर, 1929 में महात्मा गांधी कोसानी में आए थे और वे यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन कोसानी उन्हें इतना सुंदर लगा कि वे यहाँ पे 14 दिन थे। उनके यादगार में यह आश्रम बनाया गया है और इसे सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के महान कवि थे और उन्होंने, उनका हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा देन है। उनके नाम पे यहाँ पे एयरपोर्ट भी है और उत्तराखंड का एयरपोर्ट सुमित्रानंदन पंत के नाम पर ही है, और यहाँ पे उनके नाम पे संग्रहालय है जहाँ पे विभिन्न अच्छे कवियों की पुस्तकें रखी हुई है। उसे पंत गैलरी भी कहा जाता है। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत का यहाँ पे बहुत मान सम्मान है और जो लोग भी यहाँ आते हैं उन्हें कोसानी बहुत पसंद आता है और कोसानी बहुत ही सुंदर है। यहाँ से चाहे आप सूर्यास्त देखो या सूर्योदय देखो, स्पेशली यहाँ गांधी आश्रम से, जिसे अनासक्ति आश्रम भी कहते हैं, यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। और यहीं पर गांधी जी ने एक अनासक्ति योग लिखा था गीता के ऊपर और उसे यहीं पर पूर्ण किया। स्टार्ट तो दूसरी जगह से किया था लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूर्ण किया था, इसलिए इसका नाम अनासक्ति आश्रम भी रखा गया है। और हमने सुना है कि यहाँ से अभी ये जो गांधी जी यहाँ आए थे, आपने अभी बताया हमें कि 1-2 दिन के लिए ही वो यहाँ पे आए थे, फिर 14 दिन रुक गए। तो इसे ये इतना पसंद आया कि उसने इसको, उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड की उपमा दी, क्योंकि उनको लगा कि इतना अच्छा दृश्य स्विट्जरलैंड में भी नहीं देखा जा सकता। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प माउंटेन, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड बताया गया। इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड बताया और अगर आल्प माउंटेन से तुलना की जाए तो उससे भी सुंदर है हिमालय का दृश्य, इसलिए यह स्थान बहुत ही आकर्षक और प्रसिद्ध है। अच्छा, तो ये जैसे हमने सर ने बताया, क्या नाम सर आपका? राकेश पाठक जी ने हमें बताया कि ये जो कोसानी है वो अपने ये अनासक्ति आश्रम के लिए भी जाना जाता है, जिसे गांधी आश्रम भी कहते हैं। देखिए आप, ये हमारे पीछे ये पूरा व्यू देख सकते हैं आश्रम का। ये हमारे महात्मा गांधी जी का प्रतिमा है और ये पूरा आश्रम है। यहाँ पे इसका थोड़ा गैलरी भी बनाया गया है, उसके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। ये वैसे छोटा गांव ही है पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये सुविधाएं है। यहाँ आप ठहर भी सकते हैं और भोजनालय भी है, तो आप जब भी कभी इधर कोसानी आए तो यहाँ जरूर से रुके। और यहाँ से दूसरा भी, जो हमने कल एक दूसरे वीडियो में भी बताया था सनसेट के बारे में, तो यहाँ सनराइज भी बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से होता है सुबह। और यहाँ से ये अभी थोड़ा सूर्योदय हो रहा है और यहाँ से पूरी हिमालय की 300 किलोमीटर की रेंज दिखती है, जहाँ से आप पंचाचूली, दद्दा देवी, त्रिशूल, सब पर्वत की चोटियों की रेंज जो है वो देख सकते हैं। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।